गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियोज सिंस लास्ट 3 डेज. तो अब हम लोग जो है पिछले जो लीनियर मोशन को हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़े, अब हम लोग काइनेमेटिक्स से आगे बढ़कर हम लोग डायनामिक्स में चलते हैं. कि अब हम लोग वैसे मूविंग बॉडी के विषय में पढ़ेंगे जिसका कि कुछ कारण हो. जब तक किसी बॉडी में कोई धक्का ना लगे या कोई फोर्स अप्लाइड ना हो तब तक कोई बॉडी मोशन में आ नहीं सकता है. तो अब हम लोग मूविंग बॉडी के विषय में पढ़ेंगे. उसके पहले हम लोग एक पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के विषय में पढ़ेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट के पोजिशन में है तो क्या लगता है आपको कि कोई क्या बिना कोई फोर्स लगाए हुए क्या वह बॉडी अपने जगह से डिस्प्लेस हो सकता है, क्या उसके पोजीशन में कोई चेंज हो सकता है. आइए इन सब बातों पे आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे. पहले क्या होता था कि जो पुराने जब पूरा हमारा जो दुनिया है वो पूरा डेवलप नहीं हुआ था तो सबसे ज़्यादा विद्वान लोग हुआ करते थे यूनान के लोग हुआ करते थे. ग्रीस के लोग जो है ज़्यादा यूनान हुआ कर ये होते थे इंटेलिजेंट हुआ करते थे. वो सब क्या करते थे अपने दर्शन के आधार पर जो अपना थाउट देते थे और उन्हीं को हम लोग जो है मानने पर मजबूर होते थे. तो अरिस्टोटल आपने नाम सुना होगा, हिंदी में अरस्तु कहते हैं, वो बहुत महान दार्शनिक थे. उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है तो वह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इट इज़ इट्स नेचुरल टेंडेंसी. लेकिन अगर वह मोशन में है तो बिना फोर्स लगाए वो जो है मोशन में आ नहीं सकता. यानी कंटिन्यूसली हमें उसे मोशन में लाने के लिए कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई करना ही होगा. तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने दर्शन के आधार पर ये एग्जांपल लिया कि जैसे साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में पैडल पे हम लोग फोर्स लगाते हैं लगाते एफर्ट लगाते लगाते हैं तभी वो आगे बढ़ता है. पैडल में फोर्स लगाना अगर बंद कर देते हैं तो वो साइकिल क्या हो जाता है, रुक जाता है. तो इसी दर्शन के आधार पर अरिस्टोटल ने अरस्तु ने ये कहा कि कोई भी वस्तु कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वह उसका नेचुरल टेंडेंसी है, वह उसका अपना स्वभाव है. लेकिन अगर वह मोशन में है तो मोशन में बनाए रखने के लिए उस पर बार बार फोर्स लगाना पड़ेगा. लेकिन जो है गैलीलियो ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट एक इंक्लाइंड प्लेन वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, वो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे बोर्ड पर. और उन दर्शन के आधार पर इंक्लाइंड प्लेन वाला एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, आइए हम लोग देखते हैं गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन वाला एक एक्सपेरिमेंट किया, आइए जरा बोर्ड पर देखेंगे आप. उन्होंने क्या किया, एक इस तरह का अरेंजमेंट किया, ये इस तरह का अरेंजमेंट किया. यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया कि ये वाला जो पोर्शन है ये इस तरह करके मूव कर सकता है, ये इस तरह करके मूव कर सकता है. कुछ इस तरह का जो है उन्होंने अरेंजमेंट किया, इसे हम लोग कहते हैं इंक्लाइंड है. तो अब क्या किया, उन्होंने एक हाइट पर से एक बॉल को गिराया, यहाँ से एक बॉल को, ये बॉल है हमारा, ये बॉल को उन्होंने गिराया. ये देखा क्या, ये बॉल यहाँ से रोल करते 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 इस ऊंचाई तक गया. अब दूसरा उन्होंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा इस तरह कर्व कर दिया. तो अब क्या किया, बॉल को फिर उन्होंने इसी हाइट पर से इसको ड्रॉप किया. तो जब ड्रॉप किया तो ये बॉल इस बार इस तरह करके थोड़ी दूर तक गया. फिर इसको थोड़ा सा इस इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा और नीचे किया तो देखा फिर यहाँ से बॉल गिराया. गिराते हुए ये बॉल कुछ दूरी तक आगे बढ़ा और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको नीचे गिराते गिराते एकदम इसके स्मूथ सरफेस में, फ्लैट सरफेस में इसको दिया. तो इस बार क्या हुआ कि बॉल जो है और धीरे 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 ज़्यादा दूरी तय कर लिया. और यहाँ पर उन्होंने ये अध्ययन किया और हम लोग भी ये चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बार यहाँ पर फ्रीली ड्रॉप करने के बाद ये ग्रेविटी वाला फोर्स इसके पास एक बार लगा और फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते ये कंटिन्यूस मोशन में आगे की ओर चलता चला गया. तो गैलीलियो ने ये कहा कि देखिए कि किसी भी बॉडी अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा और अगर मोशन में है तो उसमें एक बार जो फोर्स लगा उसके बाद उसको कंटिन्यूस मोशन में रखने के लिए दोबारा फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, कि इट विल कंटिन्यूड इन मोशन. लेकिन वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके. कारण क्या है कि उन्होंने देखा कि ये आगे चलकर कुछ दूरी तक जाकर बॉल जो है लुढ़कते हुए रोल करते हुए गया और वहां जाकर वह रुक गया, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सके. तो इस ऑब्जर्वेशन से हमारे न्यूटन महोदय ने क्या किया, इस ऑब्जर्वेशन को बड़ा बारीकी से अध्ययन किया और उन्होंने क्या किया, इस सरफेस को, ये वाला जो सरफेस है,
इस सरफेस को चेंज करके करके देखा, चेंज कर करके क्या देखा, एक बार एकदम बिल्कुल बारीक ग्रीसी स्मूथ सरफेस उन्होंने लगाया और इस सरफेस में देखा बहुत दूर तक चला गया। और अगर इसको थोड़ा सा कर्व कर दिया, रफ सरफेस बना दिया, तो देखा कि यह चीज जो है थोड़ी दूर जाकर वह रुक गया। इसका मतलब कि इस कंटिन्यूस मोशन में इस बॉल को यह सरफेस हिंड्रेंस ऑब्स्टकल क्रिएट कर रहा है एंड उसको उन्होंने नाम दिया फ्रिक्शन। तो एक हमारा टर्म आ गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? घर्षण, घर्षण बल जिसे कहते हैं। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन, जो गति का विरोध करता है उसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। तो अगर तो न्यूटन ने इस चीज को क्या किया, इस सरफेस को बदल बदल कर देखा, देखा कि अगर बिल्कुल ही फ्रिक्शन लेस, घर्षण रहित अगर इस सरफेस हो जाए, सतह अगर हो जाए, तो ये बॉल जो है कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा तब तक जब तक कि कोई इसे रोके ना, तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई ना हो। तो अब ये चीज जो है न्यूटन ने क्या किया, इसी चीज को एक्सप्लेन किया कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इट इज इट्स नेचर दैट इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एंड अंटिल एनी फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन इट, एंड इफ इट इज इन कंटिन्यूस मोशन, अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है तो उसमें बार बार उसे मूव कराने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं है और वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करे। तो उन्होंने क्या किया, न्यूटन ने उसको ऑब्जर्व करके और इसे मोशन के रूप में डायनामिक्स के अंतर्गत में इन्होंने क्या किया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैं इसे फिर से बोल देता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या इन्होंने दिया कि ए बॉडी, इफ अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट अनलेस एंड अंटिल एनी फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, एंड इफ अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन इट विल कंटिन्यूसली मूव इट विल बी इन मोशन अनलेस एंड अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन इट। यानी कोई भी वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहने का प्रयास करेगा, और अगर कोई वस्तु मोशन में है, अगर वह गति की अवस्था में है, तो वह उसी अवस्था में रहेगा तब तक जब तक कि कोई बाहरी असंतुलित बल उसके ऊपर आरोपित ना हो, एंड दिस इज ओनली कॉल्ड द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा। तो न्यूटन ने क्या किया, इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दो तरह से डिवाइड किया, इसको दो पार्ट में उन्होंने दिया। एक तो भाई की डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, अब देखिए ये शब्द आ गया इनर्शिया, और दूसरा उन्होंने दिया कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब देखिए ये इनर्शिया क्या है, इसको इसका शाब्दिक अर्थ है जड़त्व, ठीक है, इनर्शियल लॉ ऑफ मोशन या इनर्शियल लॉ ऑफ गैलीलियो, गैलीलियो के द्वारा ही बेसिकली ये इनर्शियल लॉ दिया गया है, इसलिए इसे गैलीलियल लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं या इनर्शियल लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं, ठीक है। तो जड़ता का नियम, ये इनर्शिया क्या है, यह क्या है कि ये एक प्रॉपर्टी है जो हर एक सब्सटेंस में मौजूद होता है, हर एक सब्सटेंस में वह प्रॉपर्टी मौजूद होता है जिसके कारण वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करता है। मैं इसे फिर से दोहरा देता हूं कि यह जड़त्व का क्या है, ये जड़त्व या इनर्शिया ये क्या है, ये हर एक सब्सटेंस में पाए जाने वाली वह प्राकृतिक प्रवृत्ति है, प्राकृतिक स्वभाव है, नेचुरल गुण है। वो क्या गुण है, वो कि वह जिस अवस्था में है, चाहे वह रेस्ट की अवस्था में हो, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन में हो, वो गति की अवस्था में हो, दोनों में से किसी भी अवस्था में अगर वह है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहता है जिस अवस्था में वह है। कब तक रहना चाहेगा वो, तब तक वह रहेगा जब तक कि कोई बाहरी असंतुलित बल उसके ऊपर आरोपित ना हो, अनलेस एंड अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि इनर्शिया क्या है। तो यहां पर हमें क्या होता है, इनर्शिया का डेफिनेशन देता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कैसे भाई, कि अगर वह रेस्ट में है तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तो न्यूटन के अंतर्गत वह आ गया कि उसका स्वभाव है जड़ता के नियम के कारण, तो वह आगे बढ़ना नहीं चाहता है, वह अपने पोजीशन में कोई चेंज नहीं लाना चाहता है, और दूसरा अगर वह मोशन में है तो भी उसकी अवस्था है, उसकी प्रवृत्ति है, मैं मोशन में ही रहूंगा कब तक, तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो। तो इनर्शिया को यह डिफाइन
करता है। अब दूसरा क्या होता है, ये फोर्स को किस तरह डिफाइन करता है आप देखेंगे कि अगर कोई बॉडी को मोशन में लाना है इनिशियली सबसे शुरुआती दौर में, तब तक तो मोशन में तो आएगा नहीं, अभी डायनामिक्स के अंतर्गत हम लोग काइनेमेटिक्स में क्या पढ़े विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन। लेकिन जब यहाँ पर डायनेमिक्स के अंतर्गत जब हम बॉडी मूव कर रहा है तो मूवमेंट बिना कारण के तो होगा नहीं, तो उसमें कोई ना कोई पुश पुल या एनी फोर्स तो अप्लाई होगा ही। तो फोर्स जब उसमें अप्लाई होता है तो बॉडी मोशन में आता है। तो अब न्यूटन ने फोर्स का डेफिनेशन इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कैसे दिया वो हम देखेंगे क्या कि फोर्स क्या है। अब वो एक्सटर्नल काउज है, फोर्स क्या है वो एक एक्सटर्नल काउज है, जब किसी बॉडी पर वह जब लगता है जब वह आरोपित तो होता है तो उस बॉडी में मूवमेंट होता है या उस बॉडी में डायरेक्शन में चेंज होता है या उस बॉडी के पोजिशन में कोई चेंज होता है। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, क्या है भाई कि इफ ए बॉडी इज इन स्टेट रेस्ट पोजिशन, इफ स्टेट ऑफ रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड इफ द बॉडी इज इन मोशन या स्टेट ऑफ मोशन इट विल कंटिन्यूसली मूव, इट विल कंटिन्यूसली बी इन मोशन अनलेस एंड अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन इट। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमने देख लिया कैसे गैलीलियो ने इंक्लाइंड प्लेन वाला एक्सपेरिमेंट किया, फिर न्यूटन ने इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दो पार्ट में बांटा, एक डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया जिसमें से उभर कर आ गया जड़ता का नियम, और दूसरा है डेफिनेशन ऑफ फोर्स कि वह एक एक्सटर्नल काउज है जिसके कारण कोई बॉडी मूव करता है, जिसके बॉडी में बॉडी के डायरेक्शन में कोई चेंज होता है। अब देखिए इनर्शिया पर हम लोग आते हैं, इनर्शिया को एक बार हम लोग एक यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक छोटा सा पत्थर लेते हैं, इसे एक मान लेते हैं 2 न्यूटन का एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसके पोजीशन में चेंज आ जाता है, करेक्ट। अब इसी को अगर हम मान लीजिए कि 50 किलो का अगर ले आते हैं, ये क्या है, ये मास है, हमने क्या किया मास को इंक्रीज कर दिया, फोर्स वही रहने दिया, तो क्या देखें कि ये 2 न्यूटन का फोर्स क्या इसको हिला पाने में सक्षम है, क्या इस 50 किलोग्राम मास वाले किसी सब्सटेंस को 2 न्यूटन का फोर्स उसे हिला सकता है क्या, शायद नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है अकॉर्डिंग टू इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, ये प्रॉपर्टी है, तो इस बॉडी की यह इनर्शियल टेंडेंसी है कि वह उसी पोजीशन में रहेगा, वो स्टेट में स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वह विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगा। अब क्या करते हैं इसको धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते हैं, 2 न्यूटन से हम इसे 5 न्यूटन करते हैं, 10 न्यूटन करते हैं, अब आते हैं 20 न्यूटन करते हैं, तो क्या होता है, सब ये थोड़ा सा मूव करता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। बात समझ आ गया, यानी क्या हो गया कि मास को अगर हम बढ़ा दिए पहले की तुलना में, जब हम 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो यहाँ पर छोटा सा मास था, मास को जब हम इंक्रीज किए तो यहाँ क्या देखते हैं कि मास को बढ़ाने पर इसकी प्रॉपर्टी भी, इनर्शियल प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं जड़ता का जो गुण उसके अंदर में, वो भी इंक्रीज हो जाता है, और मास को अगर हम घटा देंगे तो कम फोर्स से ही वह उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी मास को अगर हम इनर्शिया के टर्म में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इन अ बॉडी, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इन अ बॉडी। तो अगर आप मास को अगर डिफाइन करते हैं इनर्शिया के टर्म में तो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी के आधार पर इनर्शिया बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, उसको आप अपने नोटबुक में अपने कॉपी में आप इसको इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका आंसर आप देंगे और मुझे दिखाएंगे।